हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का रजा किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं रेसिपी स्टार्ट। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे एक बॉल लिया है। बॉल में हम 4 अंडे लेंगे। अंडे को तोड़ेंगे हम यहाँ पे एक एक करके। जो है अंडे का हम यहाँ पे जो है उसका पानी निकालेंगे और एलो को साइड में रखेंगे। तो देखिए ऐसे ही हमको तोड़ लेना है और उसका पानी हमको निकाल लेना है। तो वैसे ही हम चारों अंडे जो है ऐसे ही तोड़ लेंगे। तो देखिए दूसरे अंडे भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा एलो जो है वो गिर गया है। तो थोड़ा गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बाद में भी डालने वाले हैं इसको। लेकिन हम पहले जो है वाइट को ही इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए वाइट को हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं अभी, ताकि वो क्रीम फॉर्म में आए थोड़ा। तो देखिए हमारा जो है ये क्रीम फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम शुगर ऐड किया है, और शुगर जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँ यहाँ पे, ताकि जो हमारा क्रीम फॉर्म है वो कम ना हो जाए। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे शुगर को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी डाल दिया है 50 ग्राम। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे वनीला एसेंस भी ऐड किया है 1 स्पून के बराबर। तो हम पूरे चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। हम एलो वाले को भी डाल दिया है, जो अंडे का हमने निकाल के रखे थे एलो को, उसको भी हमने डाल दिया यहाँ पे। अभी हम पूरे चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमको अच्छे से मिक्स करना है, तभी हमारा केक ज़्यादा फूल के ऊपर आएगा और ब्रेकिंग बहुत अच्छा होगा। तो यहीं पे हमारा जो है शुगर होता है ना, शुगर का भी जो दाना होता है वो भी घुल जाना चाहिए। ऐसा ही हमको यहाँ पे विक करना चाहिए हैंडविक मशीन से। तो वैसे ही हमको मिक्स करना चाहिए, ताकि जो अंदर शुगर होता है वो भी अच्छे से घुल जाए। शुगर अगर नहीं घुलता है तो प्रॉब्लम होगा, जब ब्रेकिंग होता है केक उसके ऊपर तो शुगर वाला लेयर बन जाता है और जो अंदर यहाँ पे हो गया हमारा मिक्स। अभी हम जो है इसमें मैदा डालेंगे। तो सबसे पहले हमने छन्नी ले लिया है यहाँ पे, और उसमें हम 200 ग्राम के लगभग मैदा डाल दिया है। और यहाँ पे जो छोटा बॉल में लिया था मैंने, दोनों मिला के 200 ग्राम का लगभग है। यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, और उसके बाद बेकिंग सोडा और सॉल्ट। यहाँ पे हमने सॉल्ट भी डाला है थोड़ा। तो हम तीनों चीज़ों को यहाँ पे जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए वो हो गया, हमने यहाँ पे छान लिया है, तीनों चीज़ों को छान लिया है। आप करेंगे यहाँ पे बैचुलर से मिक्स। तो हमको ऐसे ही मिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्पून जो है वो टूट गया है, हमारा स्पून तो अभी हमको हैंड मिक्स से मिक्स करना पड़ेगा। हमने स्पून को साइड में रख दिया है, अभी हैंड मिक्स से मिक्स कर रहा है। हमारा स्पून जो है वो टाइट होने की वजह से वो टूट गया है। तो ये थोड़ा जो है ऐसे ही हमको मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करना है, ताकि वो रह ना जाए। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है, इसको हमने 2 बोल में करना है। यहाँ पे 2 बोल में करके हम, क्योंकि हम कलर कलर डालेंगे, तो इसलिए हम एक में कलर डालेंगे, एक में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी जाम केक होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने येलो कलर डाल दिया एक में, येलो कलर डाल के एक में मैं मिक्स कर लूँगा उसको अच्छे से। ये हो गया हमारा मिक्स, एक रेडी हो गया। अभी इसको हम रखेंगे जो है साइड में। मेरे स्पून टूटने से बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं स्ट्रॉबेरी कलर फ्लेवर लिया है मैंने, कलर नहीं, क्योंकि कलर का टेस्ट नहीं आएगा, खाली वो फूड कलर होता है। तो यहाँ पे फ्लेवर लेने थे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेने से स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने एक में जो आप बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जाम केक, तो उसके लिए मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी
फ्लेवर यानी कि कलर। तो मैंने यहाँ पे जो इसको भी मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो आप हम लेंगे यहाँ पे, ये दोनों मिक्स हो गया। हमारा ट्रे भी हमने ऑयल से और बटर पेपर लगा के रखे थे हमने उसके ऊपर, जो पहले है, पहले लेयर में हमने स्ट्रॉबेरी डाल दिया है। हम स्ट्रॉबेरी पूरे डाल देंगे, फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी को बराबर कर लेंगे यहाँ पे चारों तरफ, जैसे चारों तरफ हो जाए। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर डालेंगे स्ट्रॉबेरी जाम को। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉबेरी जाम मैंने डाल दिया है। तो हमने यहाँ पे आज पहली बार ट्राई किया है कि स्ट्रॉबेरी जाम डालने से बीच में रहता है कि बाहर जाता है, तो हमको वो देखना है यहाँ पे। तो इसके ऊपर है जो है मैं येलो कलर डाल दिया है। तो दो कलर में केक मस्त हुआ है हमारा और ज़बरदस्त होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने येलो और स्ट्रॉबेरी कलर किया है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पे बराबर कर दिया है। तो इसको मैंने ब्रेकिंग में डाल दूंगा मैं अभी 180 सेल्सियस और 30 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा केक ब्रेकिंग होके आ गया है। तो इसको मुझे निकालना है काट के, तो ऑलरेडी मैंने बटर पेपर लगा के रखा था तो ज़्यादा काटना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए इसका रिजल्ट तो अच्छे नहीं है हमको, क्योंकि जो जाम है हमारा वो ऊपर आ गया है, नीचे की तरफ चला गया है, क्योंकि ब्रेकिंग जब होता है ना ये केक फूलने के टाइम में ये नीचे फेंक देता है, तो इसीलिए वैसा नहीं डालना चाहिए, ऊपर ही हमको केक का ऊपर डालना चाहिए तभी अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी सिरप को डाल दिया है, टूथपिक को ऐसे ही उसको अंदर हमने स्ट्रॉबेरी जाम को भी यहाँ पे लगा दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जाम को भी लगा दिया है। उसके ऊपर जो है मैं थोड़ा डिज़ाइन के लिए नारियल बुरादा डालूँगा यहाँ पे, जो नारियल का बुरादा होता है वो हमने डाल दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। अभी मैं इसको पीसेस के हिसाब से कट कर लूँगा मैं, क्योंकि मैं बेकरी में डाल रहा हूँ तो मुझे कट करना पड़ता है, और पीसेस के हिसाब से रेट भी होता है हमारा। जैसे एक पीस 50 रुपीज़ का हमने यहाँ पे सेल होता है। तो ये देखिए दो कलर में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है हमारा जाम, स्ट्रॉबेरी जाम केक, और बहुत मस्त हुआ है, बहुत खूबसूरत भी है। देखिए तो यहाँ पे मैंने एक पीस काटा भी है, आप लोगों को काट के भी दिखाना है। देखिए बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छे बने हैं हमारा स्ट्रॉबेरी केक जाम केक। तो उम्मीद करता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।